तो आज के एपिसोड में हम पोर्ट्रेट फोटोग्राफी को डीप में देखेंगे और देखते हैं यार क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं अच्छी पोर्ट्रेट लेने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र। मैं संजीव। वीकेंड फोटोग्राफी में आपका स्वागत करते हैं। आज के एपिसोड में हम पोर्ट्रेट फोटोग्राफी को डीप में समझते हैं, कैसे हमें लाइटिंग रखनी है और किस तरह से हमें पोर्ट्रेट फोटोग्राफी को अप्रोच करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यार सिंपल वर्ड में पोर्ट्रेट फोटोग्राफी क्या है कि जब किसी भी पर्सन का आप सिर्फ चेहरा नहीं, आप अपने फोटोग्राफ के माध्यम से उसकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी शो करते हैं, दैट इज़ पोर्ट्रेट। तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है समझना कि पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में आपको इंसान की जो है, बंदे की जो है, शक्ल अच्छी आनी चाहिए। तो अच्छी आने के लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपको कौन सा लेंस यूज़ करना है। लेंस की चॉइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, मतलब कि पहले हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू में चलते हैं कि टेक्निकली क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है पहले। करेक्ट। और अगर आपका लेंस चॉइस अगर सही हो जाएगा तो आपकी बाकी सारी चीज़ें अपने आप सही जगह पड़ती जाएंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लेंस सिलेक्शन। कैमरा आपके पास कोई सा भी हो, कोई सा भी DSLR होगा, आपका काम कर जाएगा पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में। सिर्फ आपको लेंस का ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आप वाइड एंगल चूज़ करते हैं पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के लिए तो आप ये चीज़ ध्यान रखें कि यार डिस्टॉर्ट हो जाएगी इमेज, बंदे का चेहरा जो है ना सीधा अजीब सा आएगा। और वहीं आपने बहुत बड़ा जूम अगर लेंस ले लिया तो जो बंदे का जो कंप्रेशन जो होती है ना, कंप्रेशन की वजह से फेस अलग सा दिखाई देगा। हाँ, बंदा बहुत छोटा दिखेगा, मिनिएचर टाइप में वो काम करेगा। करेक्ट। तो ना ही आपको बहुत ही ज़्यादा जूम में जाना है, ना ही आपको बहुत ज़्यादा वाइड में जाना है। सही अगर आप लेंथ की बात करें तो 85mm से लेके 135mm तक जो लेंस होते हैं उसमें सही आती है फोटोग्राफ। यही जो है पॉपुलर, मतलब सबका फेवरेट फोकल लेंथ भी है और पॉपुलर लेंसेज भी इसी रेंज में आते हैं, इसी एमएम में आते हैं। करेक्ट। तो अगर आपके पास बजट कम है तो आप 50 भी चूज़ कर सकते हैं। राइट। हाँ, बट उसमें याद रखिएगा थोड़ा सा मोटा आएगा सब बंदा। बट ठीक है, स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। बट अगर आप ख़रीद पाएँ तो यार 85 ज़रूर लेना, और अगर आप और भी ज़्यादा ख़रीद पाएँ तो 135। तो ये साइकिल चलता रहेगा। बट एक प्राइम लेंस लेना बहुत ज़रूरी है जो वाइड आपका शूट कर पाए, लाइक 1.8 और ज़्यादा वाइड, जैसा इस तरह का जो वाइड अपर्चर वाले लेंस प्लस प्राइम लेंस जो होगा आप वो चूज़ करें। तो सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं यार, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में क्या है कि आपको जो सब्जेक्ट की और बैकग्राउंड की जो सेपरेशन है वो आपको करना ज़रूरी है। ठीक है, आपको अपने सब्जेक्ट को उभार के बाहर लाना है, तो उसके लिए आप अलग अलग टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। उसका अपर्चर बहुत वाइड है, 1.8। अगर आप 1.8 पे शूट कर रहे हैं तो बैकग्राउंड सेपरेशन बहुत ईजी होगा। राइट। तो दैट्स वन पॉइंट। तो एक तो पहला पॉइंट हो गया हमारा शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड। शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड की वजह से हम बैकग्राउंड से सेपरेशन कर पाएंगे सब्जेक्ट का, जिससे कि जो है बंदा निखर के बाहर आएगा, उसका फोटो बहुत ही अच्छा लगेगा। वो बैकग्राउंड और फोरग्राउंड में जो बंदा है वो मिक्स नहीं होंगे, मिक्स नहीं होंगे तो वो निखर के आएगा सामने, ज़्यादा अच्छा लगेगा फोटोग्राफ में। हाँ, वो भी है। ठीक है, और सेकंड चीज़ बताइए धर्म भाई, सेकंड तरीका बताइए कि कैसे बैकग्राउंड से सेपरेशन किया जा सकता है। सेकंड तरीका है यार हम लाइटिंग, अगर आपके पास लाइटिंग है अपनी आपकी, तो क्रिएटिव लाइटिंग के थ्रू आप बैकग्राउंड को बिल्कुल सेपरेट कर सकते हो। मतलब कि लाइटिंग को आप ऐसे पोज कर सकते हो, या तो बैकग्राउंड डार्क हो जाए, आपका जो क्या बोले जो पोर्ट्रेट है बैकलाइट कर सकते हो। हाँ, बैकलाइट कर सकते हो, जैसे आपका पोर्ट्रेट ही फोकस में रहे प्रॉपर और वो दिखाई दे, बैकग्राउंड आपको बिल्कुल कट ऑफ हो जाए या फिर कम दिखाई दे। राइट। तो सेकंड, हाँ, तो वो भी आपका सेपरेशन का तरीका। सेकंड पॉइंट हमारा हो गया कि क्रिएटिव वे में हमें लाइट्स को यूज़ करना है, बंदे को इस तरह से लाइट करना है कि F8 या छोटे अपर्चर में भी बंदा सेपरेट नज़र आए बैकग्राउंड से। तो यार इसमें तीसरा चीज़ आता है ऑप्टिमम लाइटिंग, बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट भी नहीं और बहुत सॉफ्ट, मतलब कि बहुत डार्क भी नहीं है। आपको पोर्ट्रेट के लिए बहुत सॉफ्ट लाइट चाहिए, अच्छी वाली लाइट चाहिए। तो यार आपको देखना है कि या तो आप प्रॉपर टाइम पे शूट करो जहाँ ज़्यादा शेडोज़ और हाईलाइट्स ना क्रिएट हो, या फिर अपनी लाइटिंग क्रिएट करो, या फिर अगर आप हार्श लाइट में शूट कर रहे हो तो रिफ्लेक्टर या फील फ्लैश यूज़ करके आप शेडोज़ को कट करो। कोशिश करेंगे यार जितना गोल्डन आवर्स में जितना शूट कर सकें पोर्ट्रेट का, उतना बढ़िया रहेगा। गोल्डन लाइट जो है फेस तो बहुत अच्छी लगती है, जिसकी वजह से जो बंदा है निखर के सामने आता है। एक्चुअली क्या है, गोल्डन लाइट में जो बंदा है उसका फेस पे वार्म आता है, स्किन पे वार्म आता है, जिसकी वजह से फोटो थोड़ी और अच्छी लगती है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि फेस पे शैडो ना पड़े तो बहुत बढ़िया चीज़ है। अंटिल अनलेस आप कुछ क्रिएटिव ट्राई कर रहे हैं देन इट इज़ डिफरेंट थिंग। ठीक है ना, नॉर्मल केसेस में आपको फेस पे शैडो नहीं पड़ने देनी है, जितना उसमें शैडो लेस रहेगा उतना ही बढ़िया फोटोग्राफ आएगा। कुछ क्रिएटिव वेज हो सकते हैं जहाँ पे आप हल्की सी शैडो रख सकते हैं,
बट बहुत ज़्यादा शेडो रखने से हार्ड शेडो आप ना ही रखे तो बढ़िया रहेगा। देखो क्रिएटिव पोर्ट्रेट जो है वो बिल्कुल एंटायरली अलग चीज़ है, तो यार मिक्स मत करना इसको। क्रिएटिव पोर्ट्रेट का मतलब शेडो रखने का ये हो गया कि आप बंदे का हो सकता है कि एक पोर्शन ही दिखाना चाहते हो, बाकी उसको शेडो में रखना चाहते हो, तो वो चीज़ बुरा पूरा इंटायरली डिफरेंट है। बट नॉर्मल पोर्ट्रेट्स में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बंदे के फेस पे शेडोज ना आए। और चौथी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कंपोजिशन, आप किस तरह से अपने फोटोग्राफ को फ्रेम करते हैं। ठीक है, खाली जगह पर सिर्फ बंदे की फ़ोटो लेने की जगह अगर आप उसको कहीं ऐसा एक फ्रेम में उसको रखने की कोशिश करते हैं तो वो ऑब्वियसली वो फोटोग्राफ ज़्यादा अच्छी आएगी। हाँ, अभी आप देख सकते हैं जो आप वीडियो देख रहे होंगे इसमें पीछे देखिएगा कि ब्लर तो वैसे दिख रहा है बट दोनों साइड से पेड़ है ऐसे, राइट। तो यार आपको कुछ अलग दिख रहा होगा। अगर यही हम जो है मूव कर जाएं दूसरी साइड तो हमारा आपका पोर्ट्रेट जो नज़र आ रहा है वीडियो वो इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी। वही चीज़ पोर्ट्रेट के साथ भी है। शेडिंग लाइन का यूज़ कीजिए, लाइन सब्जेक्ट की तरफ जितनी जा रही होंगी उतना ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हाँ जो होगा वो आईज अपने आप सब्जेक्ट की तरफ मूव कर जाएंगी। मतलब लाइन अगर मर्ज कहीं पे हो रही है तो सब्जेक्ट को वहाँ पे रखें, या फिर कोई ऐसी जगह कि कहीं जाके लोगों का नज़र रुक जाए। फ्रेमिंग जो है आप करके ही सीखेंगे, लोगों का काम देख के सीखेंगे, ठीक है, और खुद एक्सप्लोर करके ही सीख पाएंगे। हाँ, ये तो यार, सिखाने वाली चीज़ तो एग्जैक्टली देखो यार रूल ऑफ 1/3 पे हम बार बार एम्फेसिस इसलिए डाल रहे हैं कि अगर आप कोई भी थोड़ा सा वाइट पोर्ट्रेट लेते हैं जगह आपके फ्रेम में बहुत होती है। अगर आप बंदे को देखो सेंटर में पोजीशन करके एक बार चेक करो और एक बार उसको रूल ऑफ 1/3 में प्रेस करके उसको प्लेस करो, फिर आप खुद ही चेक करो, अगर कंपेयर करोगे तो आपको खुद ही जो है बंदा जो साइड में है और जिसके फेस की तरफ थोड़ा सा ओपन स्पेस है वो बेटर आपको लगेगी। कहीं ना कहीं से वो अपील आपको खुद मिलेगा कि यार ये बेटर है। इस वीडियो का जो थंबनेल था उसमें आप देखेंगे कि मैं इस साइड था थोड़ा सा, ठीक है, और इस साइड थोड़ी जगह रखी गई थी क्योंकि सब्जेक्ट के सामने हमेशा स्पेस रखी जाती है, ठीक है, थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस दिया जाता है हमेशा जहाँ सब्जेक्ट का स्पेस होता है। तो क्योंकि ये एपिसोड हमने सिर्फ पोर्ट्रेट्स पर रखा है, हम पोजेस को बहुत डिटेल में नहीं समझाएंगे आपको, बट इतना ज़रूर बोलेंगे कि अगर आप डिफरेंट पोजेस ट्राई करते हैं आप थोड़ा सा रेफरेंस लीजिए, नेट से देखिए या कहीं से, एंगल्स एंड पोजेस आप डिफरेंट डिफरेंट खुद सेलेक्ट कीजिए, ठीक है, हमेशा। हाँ, और हमेशा आई लेवल पे शूट नहीं करना है यार, कई बार आप नीचे से शूट करके देखिए, कई बार आप थोड़ा ऊपर से शूट करके देखिए और अलग अलग एंगल्स को एक्सप्लोर कीजिए कि आपकी फोटोग्राफ में जान बढ़ रही है या कम हो रही है। यार देखो हमने जो बातें बताई हैं हो सकता है कि बहुत सारी जगह कॉन्ट्रेडिक्ट करे, क्योंकि अभी हमने जिसे बोला है कि सेपरेशन बहुत ज़रूरी है, बट लोग इसको अलग अलग मतलब में ले सकते हैं कि हमें बिल्कुल सेपरेट करना है, ज़रूरी नहीं है। अगर आप सपोज करो कि यार किसी एक एग्जांपल ले लेते हैं, किसी बहुत फेमस जगह पे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ताजमहल को बिल्कुल ब्लरी करना है, ऐसी एग्जांपल सिंपल, तो आपको वो भी थोड़ा सा चाहिए। तो चलिए यार ये थी कुछ टिप पोर्ट्रेट फोटोग्राफी की, होपफुली आपको हेल्पफुल लगी होंगी, ठीक है, तो अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं यार, तब तक के लिए नमस्कार।